शिकारा गर्ल के नाम से मशहूर सादिया खतीब ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से खास बात की है। सादिया ने हमारे साथ लॉकडाउन का वो फेस शेयर किया जब वो शूटिंग के लिए सेट पर जाने के लिए खूब तरसी। जी हाँ, सादिया कहती हैं, शिकारा की रिलीज के बाद दर्जनों फिल्म मेकर्स ने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब धरा का धरा रह गया। देखिए सादिया ने दिल की बात में और क्या कुछ कहा है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल था, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म तो अभी थिएटर्स में ही थी, आई थिंक थिएटर से उतर रही थी क्या था, और लॉकडाउन शुरू हो चुका था विद इन सम लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ वीक। तो विद इन अ वीक कुछ चीजें थी जो होने वाली थी, जो इंटरेस्टिंग चीजें, हम एक्साइटेड थे कि अभी यू नो फटाफट काम शुरू हो जाएगा, और तभी खबर आई कि पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है खुल जाएगी, पर फिर खिंचता गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए जो बनने वाले थे। मुझसे किसी ने कहा था कि हमारी शूटिंग सितंबर में शुरू होगी, तो मैंने बोला ओह गॉड, फरवरी टू सितंबर आई हैव टू वेट, क्या करूंगी। बट वो सितंबर से आज कौन सा महीना आ गया है, मार्च आ गया है, मतलब एक साल से ऊपर हो गया और वो चीजें नहीं हो रही है। तो अब जाके फाइनली चीजें शुरू हुई है खुलना, तो थोड़ी सी राहत है, बट आई होप आई विल सी कब तक खुलेंगी कब नहीं खुलेंगी। बट ये एक एक्टर की लाइफ, सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी एक्टर्स थे स्पेशली जिन्होंने नया नया काम शुरू किया था, जो नए नए इंडस्ट्री में थे, उनके लिए आई थिंक ये बहुत ही नॉट जस्ट एक्टर्स, हर वो इंसान जिसने नया नया काम शुरू किया था उसके लिए काफी डिफिकल्ट फेज था, बिकॉज हमें पता नहीं था कि अब हम इसके आगे क्या करेंगे, क्या जाएगा। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है, हाउ विल वी गोना डू इट। बट आई थिंक सब्र के साथ और थोड़ी चीजें समझने के साथ मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे लिए ये बहुत जरूरी था, ये एक ब्रेक, क्योंकि यही वो टाइम था जहाँ हमें सीखने का मौका मिला, क्योंकि वरना हड़बड़ी हड़बड़ी में सब कुछ नहीं सीखा जाता ना, चीज वन बाय माना तो कुछ ना कुछ होती, पर इस ये ठहराव आया, इसमें समझने को मिला कि कहाँ क्या कैसे होने वाला है, कैसे यू नो टाइम मिला इंट्रोस्पेक्ट करने का कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस दिशा में जाना चाहती हूँ, किस दिशा में नहीं। तो उस तरीके से मेरे लिए थोड़ा पॉजिटिव रहा, बट अदरवाइज तो काफी स्कैरी रहा। बट जब खत्म हुआ तो यही फील हुआ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो इसके पीछे भी जरूर कोई भलाई है जो ये हुआ जी। तो कितने ऑडिशन वगैरह दे पाई थी आप, क्योंकि आज मान लीजिए फरवरी की जो तारीख है, कल एक साल पूरा हो जाएगा, तो लगभग 10 फरवरी के आसपास के बाद प्रमोशन शुरू हो गया होंगे कुछ दिनों के, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला होगा आपको कुछ ऑडिशन कुछ लोगों से मिलने की, कितने काम आपने लॉक किए थे उस टाइम पे? मैंने ऑडिशंस नहीं दिए थे उस टाइम पे, तो डायरेक्टली अप्रोच किया था लोगों ने बिना किसी ऑडिशन के, नई नई फिल्म थी, काम देखा था, तो काम ही इटसेल्फ एक ऑडिशन था, तो वो फेज एक काफी अच्छा था कि बिना ऑडिशन की चीजें हो रही थी। इनफैक्ट लॉकडाउन के थ्रू आउट भी, इवन अभी तक ऐसा झूठ नहीं बोलना, बट अल्लाह का शुक्र है, आई एम ग्रेटफुल कि बहुत सारे काम बिना ऑडिशंस के आए, बहुत सारे काम बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने काम देखा उन्होंने भरोसा रखा और बिना ऑडिशन के काम किया, और बहुत सारी जगहों पे मैंने भी ऑडिशंस दिए, कुछ चले कुछ नहीं चले, पर फिर ये किस्मत की बात है, होगा क्या वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शूट क्या क्या किया आपने, फिर कुछ शूटिंग की इसमें लॉकडाउन के तुरंत हुआ? अभी आई थिंक अभी फिलहाल तो कुछ शूट नहीं किया हमने, शूटिंग शुरू होने वाली है अब ये साल जो अब शुरू हुआ है। मैं अभी कश्मीर में थी, मैं अभी अभी वापस आई हूँ, और इसी उम्मीद में आई हूँ कि मेरी शूटिंग शुरू हो जाएगी, तो अभी हम इस साल इंतजार आई थिंक हो गया मेरा, अभी इसी साल शूटिंग होगा, इसी साल सब आएगा। तो कितना तड़ती और तरसी कैमरे के लिए आप? कैमरे से ज्यादा मैं उस सेट के लिए तरसी जहाँ पे एक आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, पर तरसी इज आई थिंक द राइट वर्ड दैट यू पुट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। पर घर पे बैठे बैठे जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिला, मुझे चीजें समझने का टाइम मिला, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं कर सकती हूँ, पर मैंने वो सब चीजें की, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने अभी रिसेंटली कुछ लिखना शुरू किया और मैं अपनी एक तादाद पे आके पहुंची हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें की जो साइमल्टेनियसली मेरी फ्यूचर में शायद से मुझे मदद करेगी। तो
अगर वक्त मिला तो उसको भी एक अलग तरीके से मैंने यूटिलाइज किया. हाँ, मैंने सेट को बहुत मिस किया, मैंने शूटिंग को बहुत मिस किया, बट अभी पूरी जिंदगी पड़ी है शूट करने के लिए और पूरी जिंदगी पड़ी है सेट पे रहने के लिए. तो ये वक्त भी अपने में एक था.